नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरती क्रिएशन में। इस वीडियो में हमने भगवान जी के लिए मुकुट बनाए हैं। मुकुट के साथ और भी चीज़ें बनाई हैं, आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप चैनल पर विज़िट करिएगा। ये पगड़ी वाला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। ये 0 साइज के लड्डू गोपाल जी की पगड़ी है और ये बड़े लड्डू गोपाल जी की पगड़ी है। ये बुकरम पेपर है। हम इसमें मुकुट की शेप ड्रॉ करेंगे। इस मुकुट को बनाने के लिए सिर्फ एक ही टाइप का मटेरियल यूज़ किया है। आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ करिए। ये हार्ट बनी है। आप इसमें एक्सरे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाने से मुकुट की लाइफ थोड़ा बढ़ जाती है। बहुत ही मजबूत मुकुट बनेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। कभी गीले हाथ या पूजा करते टाइम घी के हाथ इसमें लग जाते हैं तो मुकुट कुछ टाइम बाद सॉफ्ट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम इनमें नहीं आएगी। मुकुट बनाने में फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। सब जगह फैब्रिक ग्लू ही से ही हमने चिपकाया हुआ है। ये एक नेट का फैब्रिक है, ये बैक साइड रहेगा। मिडिल में यहाँ पे हम हार्ट पन्नी को पेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर बकरम के ऊपर हम फैब्रिक ग्लू लगाते हैं। इसके बाद फिर दूसरे कलर का हम फैब्रिक यूज़ करेंगे। ये देखिए, हार्ट बनने के बाद बकरम के ऊपर फिर से हमने फैब्रिक ग्लू लगाया। ये रेड कलर का, कोई भी कलर का आप फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। इससे मुकुट की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। मुकुट बेस अच्छा होगा तभी मुकुट ज़्यादा टाइम तक यूज चलेगा। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे। और ये फैब्रिक के रेशे बाहर निकले रहते हैं, अगरबत्ती की हेल्प से इसको हम चला देंगे। इससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और इसके रेशे भी बाहर नहीं आएंगे। सारी किनारों में हम अगरबत्ती की हेल्प से पूरा इसको फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा आपको पार्ट लगे बैक साइड, यहाँ से हम इसको कट करेंगे। और आप लड्डू गोपाल जी के सर की नाप लेके जितना उनको साइज हो उस हिसाब से उसको रख लीजिए। अब डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी एक टाइप का स्टोन लेंगे, सितारे हो, बीट्स हो। ये मैंने इस तरह के सीट लिए हैं स्टोन। अब बस इसको पेस्ट करने का मेथड थोड़ा अलग है। इसमें ग्लू लगाना है। ये देखिए, एक एक स्टोन को अच्छे से चिपकाना है। मैंने ग्लू ही ब्रश में ले लिया है आपको दिखाने के लिए। एक एक हाथ से लगा रहे हैं। ये देखिए, पहले हम इसको लीफ शेप में लगाएंगे। किनारे किनारे थोड़ा सा हम स्टोन इसको बाहर निकाल देंगे और स्टोन को एक के ऊपर एक रख कर चिपकाना है, जिससे कि ये कपड़े ना दिखाई दें मुकुट का। ये देखिए, बस इसको पेस्ट करने का ही तरीका है, किस तरह से स्टोन चिपकाना है। बस वो आपको पेशेंस के साथ चिपकाना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। एक ही तरह के स्टोन से सितारा हो, मोती हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसी से बना कर देखिए। बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही आसान है। ये मटेरियल सबके पास लगभग होगा। आप स्टोन के हाफ साइड ग्लू लगा दीजिए और स्टोन को उसमें चिपका दीजिए। हर स्टोन में बार बार आपको ग्लू लेकर चिपकाना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ये आपको दिखाने के लिए मैंने बार बार स्टोन में ग्लू लेकर लगाया है। ये देखिए, हमारा इतना बेस बन गया है। अब इसके पट्टियों में भी हम इसी तरह से थोड़ा सा स्टोन बाहर निकाल कर और एक के ऊपर एक रख के हम इनको चिपका देंगे। ये देखिए बन गया है। और इतनी इनकी लेंथ हो, भगवान जी का मेजरमेंट लेके हम उसको बाहर से चिपका देंगे। अब देखिए इनके बैक साइड का, ये मैंने हार्ट बने लिया है।
आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब मुकुट की लेंथ के बराबर मार्क करके और गोलाई से इसको इतना कट कर लिया है, इसके पीछे आएगा। अब सेम ऐसा ही हमें ये बकरम में काटना है और दोनों फैब्रिक में कट करना है, जैसा ही मुकुट बेस में हमने तैयार किया हुआ था। ये देखिए ड्रॉ करके हमने इसमें कट लिया और फैब्रिक में दोनों साइड चिपका दिया है, दोनों फैब्रिक में। और बीच में हम ये एक्स्ट्रा या आपको भी हार्ड पड़नी हो उसको रख के जैसे चिपका देंगे। कट करने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा रेसे निकले रहते हैं उनको भी हम अगरबत्ती की हेल्प से जला देंगे, एक अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और रेसे भी बाहर निकलेंगे। और इसको भी सेम ऐसे ही हम ग्लू लगा के जैसे चिपकाया था वैसे ही हम एक के ऊपर एक रख के रेस कर लेंगे। नीचे का थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ देंगे या मुकुट के पीछे इसको चिपका लेंगे ग्लू लगा कर। देखिए इस तरह से पेस्ट कर देंगे। कुछ टाइम के लिए इसको हम अच्छे से पकड़ कर रखेंगे या फिर आप ब्लॉकर की हेल्प से इनको दोनों को इस तरह से सेट करके छोड़ दीजिए। ये देखिए सूख कर सेट हो गया है। अब इसके ये नीचे साइड भी थोड़ा सा स्टोन लगा दिया था। अब ये इसके दोनों साइड हम मोतियों की इस तरह से लटकन लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, आपको लगे तो लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं। इसके बनाने मुकुट बहुत सुंदर लगता है। ये एयर रिंग का भी काम करेंगे, जिसको मुकुट अकेले बनाना है इस वजह से लगाया है। ये देखिए तो यहाँ पे हम इसको चिपका देंगे। इसको हम एक ही धागे में सारे ये आ जाएंगे, अलग अलग बार के बार बार हमें कट करके नहीं बनाना है। ये हमने एक बार में 7 मोती लिए हैं और एक बड़ा लिया है। बड़े मोती में हम दोबारा से क्रेप नहीं डालेंगे। ये देखिए इसको छोड़कर हम ये 7 मोतियों में क्रेप बाहर निकाल कर एक लटकन बन जाएगी। फिर हम वापस से हम 7 छोटे के बीट्स लेंगे, फिर एक बड़ा बीट्स लेंगे। इसी तरह से हम 5 लटकन हम तैयार करेंगे। अब इन 5 लटकन को हम एक साथ लेके इनके थ्रेड को ग्लू लगा के हम चिपका देंगे और ऊपर से एक छोटा सा बकरम का पीस कट करके इसके ऊपर से पेस्ट करेंगे। लेंथ इसकी आप धागे को ऊपर से खींच कर हम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए बकरम चिपका दिया है और धागे को हम यहाँ से सेट कर लेंगे। कम ज़्यादा जैसे लटकन टाइट के लिए रखे हैं, बाद में हम इन धागे को हम सूखने के बाद इसको कट कर देंगे। अगरबत्ती सब में चला दीजिए, दोनों साइड से तैयार हो गए हैं। मुकुट के बैक साइड ये ईयरबड्स का छोटा सा पीस कट करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ऊपर से फिर हम ग्लू लगा के बकरम लगा देंगे। ये मोर पंख के लिए है। अगर आपको कृष्ण भगवान जी के मुकुट लगाना है तो आप इसमें मोर पंख को पीछे लगा सकते हैं। ये मुकुट गणपति जी के लिए, कृष्ण भगवान जी के लिए, सारे भगवान जी के लिए है। जब भी आपको लड्डू गोपाल जी को लगाना हो तो आप पीछे से मोर पंख लगा दीजिए। ये देखिए ये मुकुट बन के रेडी हो गया है। ये भगवान जी के गले के लिए छोटा वाला हार है। भगवान जी के गले के साइज लेके आप इनकी नेकलेस की कटिंग कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपको इसकी लेंथ अभी से बताई है। ये देखिए लड्डू गोपाल जी के हम गले में सिर्फ बकरम का पीस करके इसको मिसे में ले लेंगे। ये 3 पीस में कट किया हुआ और बीच में किया एक्सरे का पीस कट किया और बीच में थोड़ा सा फोल्ड कर दिए, थोड़ा सा उभार जैसा आएगा ये। और ये बीच में 2 मोती डाल के इसकी डोरी तैयार की है। इसको हम
इन्हीं में पेस्ट कर देंगे। जिस तरह से मुकुट बेस हमने तैयार किया हुआ था उसी तरह से हम ये भी तैयार करेंगे, बस बीच में हम इसमें थ्रेड को हम पेस्ट कर देंगे। इसमें भी हम स्टोन को एक के ऊपर एक रख के पेस्ट करना है। थोड़ा सा स्टोन का पार्ट बाहर निकालेंगे, नीचे से लीफ फिर दे देंगे। एक के ऊपर एक रख के पेस्ट करना है, कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए रेडी हो गया है, अभी थोड़ा सा गीला है, सूखने के बाद ये वाइट जो कम दिख रही है वो सूख जाएगी। ये लॉन्ग हार के लिए हमने इस तरह से कट किया हुआ है और बीच में हार्ड पन्नी लगा दी है और बकरम के दोनों साइड फैब्रिक लगा के हम बीच में ये पतली सी लेस है, आप इसको हम पेस्ट करेंगे। अगर आपके पास ये लेस नहीं है तो आप बकरम को ही कट करके उसमें फैब्रिक लगा के इसको बना के चिपका सकते हैं। ये लेस का इसलिए यूज़ किया, अगर थोड़ा सा भी कहीं पार्ट दिख जाता है तो पता नहीं चलेगा। अब इसमें भी उसी तरह से हमें को सारे मोतियों को हम रख के चिपका देंगे, एक के ऊपर एक रखना है, करके दिखाते हैं। अब ये नीचे का कम बेस बन गया है, उसमें स्टोन भी लगा दिए हैं। अभी इसके ये डोरी में हम इसमें ग्लू लगा कर स्टोन को स्लीपिंग स्टाइल में इसको हम पेस्ट करेंगे। लेटा हुआ स्टोन इस तरह से एक के ऊपर एक ग्लू लगा के हम अच्छे से दबा के इसको हम चिपकाते जाएंगे। देखिए ये बन के रेडी हो गया है, बस इसका सूखने का वेट करेंगे। ये कंगन है, कंगन के लिए हमने एक वायर लिया है, ये 2 इंच लंबा है, आप डबल फोल्ड वायर भी ले सकते हैं। ये कलम पेपर में हम इसमें ग्लू लगा के बीच में हम वायर रखेंगे, फेस के ऊपर बकरम पेपर को ये रख के अच्छे से चिपका देंगे। ये देखिए अब इसके ऊपर ग्लू लगा के ये लेस के ऊपर चिपका देंगे। ये लेस नहीं हो तो आप कोई भी फैब्रिक गोल्डन कलर का या कोई भी कलर का लगा सकते हैं, जिस कलर का आपका डेकोरेटिव स्टोन है। इसको भी हम लीप शेप में इस तरह से पेस्ट कर देंगे, दोनों साइड से थोड़ा सा पार्ट बाहर निकालेंगे और बीच में ग्लू लगा कर फिर स्टैंडिंग लाइन की तरह स्टोन इसमें हम चिपका देंगे। ये देखिए एक पहले से बन के रेडी है, ये सूख चुका है, इसको फोल्ड करके दिखाते हैं। फिंगर में इसको फोल्ड करना है तो गोल शेप में आएगा। देखिए बन के रेडी हो गया है, इसको आप साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये एयरिंग के लिए है, बकरम पेपर में हम वायर पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा भाग इसका बाहर करेंगे, फाइबर ग्लू लगा के इसमें बकरम पेस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। अगर आपको लेस नहीं लगाना है तो आप इसमें फैब्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि मुकुट बेस में लगाया हुआ था, इस तरह इसको लगा के और उसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा के इसमें भी हम लीफ शेप में स्टोन को हम पेस्ट करेंगे। चलिए कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए पहले से कंप्लीट है, सूख भी गया है, इस तरह से आएगा और सूखने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो भी आपको लगे वो कट कर दीजिए। यहाँ से इसको हम पहनाएंगे, ईयरिंग्स बन के रेडी हो गए हैं। ये लड्डू गोपाल जी की बांसुरी है, इसको बनाने के लिए ईयरबड्स का यूज़ किया है। दोनों साइड से हम ये कॉटन निकाल देंगे और इसमें हम ग्लू लगा के
लेस चिपकाएंगे। आप फैब्रिक भी लगा सकते हैं कोई भी, मैंने इसमें लेस लगाया है। राउंड शेप में इसको चिपका दिया है, ये देखिए इस तरह से। बांसुरी के लिए पैच बनाएंगे। इसमें भी हमने दोनों साइड से बकरम में फैब्रिक लगा लिया है और बीच में हम ये हार्ड पन्नी को हम लगा देंगे इसमें, तो स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम लिप शेप में थोड़ा सा पार्ट बाहर निकालते हुए हम स्टोन को पेस्ट करेंगे। सिर्फ एक ही तरह का स्टोन लगाना। बांसुरी में इसमें भी हम लटकन लगाएंगे, 5 लटकन लगाएंगे जैसे मुकुट में लगाया था, उसी तरह से हम इनको भी तैयार कर लेंगे। इनको एक साथ लेकर बांसुरी में हम इसको हम हैंग करेंगे और फाइबर ग्लू की हेल्प से इनको हम चिपका देंगे, अच्छे से बांध देंगे और इसके ऊपर हम पैच लगा देंगे। पैच पे ग्लू लगा देंगे और बाहर से थ्रेड दिखाई नहीं दे तो बाहर से भी हम इस पैच के आउट साइड में हम बकरम लगा देंगे, ऊपर से थोड़ा सा फैब्रिक इसमें पेस्ट करेंगे इस तरह से। ये सब एक ही मटेरियल से तैयार हुआ है। इसमें बहुत सारे डेकोरेटिव स्टोन की जरूरत नहीं है, आपके पास जो आप उससे बनाइए। लड्डू पाल जी की बांसुरी बनके तैयार हो गई है। मुकुट आप गणपति जी को भी लगा सकते हैं, इयर रिंग्स, लॉन्ग हार, छोटा हार, कंगन, मुकुट, बहुत ही आसान है, आप इसको बनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।